हैं 22, इफ यहाँ पर देखो दिया हुआ है कॉट एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू में 4 एम, ठीक है, और एंड यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कॉट एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू में 4 एम, देन प्रूव डेट हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर एम एन के इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। अच्छा सोचो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स प्लस का, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, इसे कॉस बाय साइन करोगे साइन से साइन कट जाएगा आपका, कॉस एक्स बच जाएगा और इक्वल टू में 4 एम। यहाँ पर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट एक्स माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कॉस एक्स बच जाएगा और इक्वल टू में 4 एम। देखिए अब हम लोग यहाँ पे दो प्रोसेस करने वाले हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके इनका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉट एक्स माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि LHS के रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4m का स्क्वायर माइनस का 4n का स्क्वायर, ये हम लोग पहले करते हैं, दूसरा प्रोसेस हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लोगे तो अच्छा रहेगा, एंड ऐसे लिख देते हैं स्क्वायरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखो इसका हो जाएगा 4 cot x cos x, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 4ab होता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा ना, 16m स्क्वायर माइनस का 16n स्क्वायर, ए ना हो जाएगा, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग 16 कॉमन कर लेते हैं और इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई में साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स इक्वल टू में 16 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा, फिर इसको इससे काट सकते हैं 4 टाइम में, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन एक्स इक्वल टू में 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अच्छा अगर हम लोग फिर से इसका स्क्वायर करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर है, तो अगर हम लोग फिर से स्क्वायर करेंगे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर यहाँ पे फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस का पावर 4x बाई में साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को एक बार अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ही हमें रिजल्ट मिल गया, इसको इक्वेशन चाहो तो थर्ड ले सकते हो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या था कॉट एक्स प्लस का कॉस एक्स, देख लीजिए ना फर्स्ट में, अच्छा और कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 4m इंटू में 4n, यही ना था 4m इंटू में 4n। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर यहाँ साइन कॉस में बदल देते हैं, या फिर पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा देते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 4 4 16 m n, यहाँ पे इसे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, ठीक है,
और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 16 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 16 mm। चलिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और बाई में है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 16 mm। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और बाई में यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 16 mm। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर 4x बाई में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 16 mm। ये आपका इक्वेशन से फोर्थ ले लेते हैं, थर्ड तक ले लेते हैं, इक्वेशन हमने इसे क्या कर लिया, फोर्थ ले लिया। अब थर्ड और फोर्थ से देखो, थर्ड में भी यहाँ पे कॉस का पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी वही है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 16 m² माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में 16 mm। तो 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा m² माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में mn। ये ना हमें प्रूव करना था, हमने करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 20